नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति श्रीवास्तव। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ही पड़ते हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो हमें मना किया जाता है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने से हमारे जीवन में सौभाग्य आता है। तो आज जानते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो सूर्य ग्रहण में करने से हमारे जीवन में बहुत अच्छे और सौभाग्य प्रभाव लेकर आता है। पर एक, यदि सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय अपने इष्ट देव की पूजा करना और मंत्र का उच्चारण करते रहना, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऐसा करते समय आपके जीवन में खुशियां आएंगी और खुशियों के साथ साथ उस सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर दो, हम खासकर देखते हैं जब हमने सूर्य ग्रहण पड़ रहा हो तो उस समय हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, तो सूर्य ग्रहण के बाद उन कपड़ों को दोबारा से धोकर साफ करने के बाद उन्हीं कपड़ों को दोबारा पहनने या फिर दूसरे कपड़े पहन सकते हैं। ऐसा करने से आपका शरीर दोबारा से शुद्ध माना जाएगा और सूर्य ग्रहण का आपके जीवन पर और आपके शरीर पर कोई भी गलत और नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर तीन, हमने खासकर देखा है कि ग्रहण के समय पंडित या फिर कोई भी गली में घूमते रहते हैं जो हमसे दान मांगते हैं, तो यदि हम दान करते हैं तो उससे हमारे जीवन में और हमारे घर में समृद्धि आती है, क्योंकि उस समय का दान सबसे ज्यादा पुण्य माना जाता है। तो यदि आप सूर्य ग्रहण के समय दान करते हैं तो वह सबसे ज्यादा लाभप्रद माना जाएगा। नंबर चार, हमने खासकर देखा है कि सूर्य ग्रहण के समय कभी भी दिन में ही पड़ता है सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण पड़ने के समय हम लोग खाना सुबह ही बना लेते हैं, तो यदि आपका खाना पका हुआ है और सुबह ही बन चुका है तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, क्योंकि ऐसा करने से सूर्य ग्रहण पर उस पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह खाना शुद्ध ही माना जाएगा। जब सूर्य ग्रहण खत्म हो जाए तो उसके बाद वह तुलसी का पत्ता हटाकर उस खाने को आप ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा करने से वह भोजन आपके जीवन पे और आपके शरीर पर कोई भी गलत प्रभाव नहीं डालेगा। नंबर पाँच, यदि सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो उस समय दीपक जलाना चाहिए, वो भी गाय के शुद्ध देसी घी से। अगर ऐसा करते हैं तो ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे करने से आपके जीवन में कोई भी नकारात्मक प्रभाव भी नहीं आएगा। तो ये है वह कार्य यदि आप सूर्य ग्रहण के समय करते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छे और खास माने जाते हैं। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए मैं प्रीति श्रीवास्तव आपसे इजाजत लेती हूँ।